गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से जो वैकेंसी आया है असिस्टेंट मैनेजर का, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़ें, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इसका रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो गया है, 2/3/2019 से लास्ट डेट है इसकी 28/3/2019। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है 2/3/2019 से और लास्ट डेट है इसका 28/3/2019। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 21/4/2019 को। ठीक है, 21/4/2019 को उसका रिजल्ट आ जाएगा आपका, अप्रैल या मई में 2019 के। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आपका सीधा इंटरव्यू होगा, एक ही एग्ज़ाम है इसमें, उसके बाद सीधा इंटरव्यू है। ठीक है, आपका इंटरव्यू जो है मई या जून में कंडक्ट होगा और उसका फाइनल रिजल्ट आपका जून या जुलाई में आपको आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैकेंसी की बात करी जाए तो वैकेंसी इसमें टोटल 15। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो आपका एज जो है मिनिमम 21 साल होना। ठीक है, 21 साल के नीचे नहीं होना और 28 साल के ऊपर नहीं होना। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो आपके पास जो है मिनिमम डिग्री होना विथ 60% मार्क्स। ओके, मिनिमम डिग्री होना विथ 60% मार्क्स, और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उसके लिए जो है मिनिमम 55% होना। ठीक है फ्रेंड्स, या आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना जिसमें आपका मिनिमम 55% होना, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 50% होना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है या ICWAI किया है, CS किया है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर हो तो भी चलेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। पैटर्न की बात करी जाए एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें काफ़ी अच्छा है एग्ज़ाम पैटर्न। एक ही एग्ज़ाम होने वाला है जो आपका जो है चार सेक्शन में होगा, जैसे कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, एंड उसके बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 रहेंगे और जिसका मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 60 रहेगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, इसका सेपरेट टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट का। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, उसके लिए 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 40 मिनट, वो भी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। बात कर ली जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 25 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 30 रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते क्वांट की, इसलिए डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपका जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए 60 मार्क रहेंगे आपका मैक्सिमम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा और आपके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल जो है आपके 155 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए टोटल 200 मार्क रहेंगे, इसके लिए आपका 3 आवर का टाइम दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आऊँगा। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, जिसमें आपका एक लेटर राइटिंग ऐसा राइटिंग होगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क के रहेंगे, जिसमें इंग्लिश का आपको लिखना है टोटल, इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आपका फेज़ टू में आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम के बाद ओनली इंटरव्यू होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी जो इसमें बेसिक पे 23,700 है, जो कि आपको अप्रॉक्स जो है 44,143 रुपये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ली जाए तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपये रखी गई है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और अदर देन SC ST PWD आपको जो है 600 रुपये फ़ी रखी गई है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर ली जाए तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका 7 ही सिटी में होगा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता एंड मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई एंड दिल्ली NCR। ठीक है, इन्हीं जगहों में ओनली सेंटर रहेगा, तो इस बात को आप ध्यान में रख के फॉर्म भर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अप्लाई करने के लिए जो है आपको nhb.org.in पे जाना है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपने ध्यान रखना, गुड बाय।